ये तो जबरदस्त है। कमिश्नर बदल दिए उधर। आई क्या बात? 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 50-60 साल से इस रोड पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन सियासत बहुत ज़्यादा की जाती थी, क्योंकि ये जो लोग हैं मोची माला, खार माला, क्राल माला के लोग जो है, इनको हमेशा इग्नोर किया गया। हर एक सियासतदान है, क्योंकि यहाँ के बड़े, यहाँ के भी बहुत लीडर निकले थे, उन्होंने भी बोला था, बहुत ज़्यादा दावे किए थे लोगों को, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन आज की डेट तक किसी ने इनको, इनकी रूदाद नहीं सुनी। लेकिन मैं जब से DDC मेंबर बना, मैंने 2-4 मीटिंग्स इनसे ली, इनके सरपंच साहब से मैंने मीटिंग्स ली, यहाँ के ZSO शहरियों के साथ मैंने मीटिंग्स ली। इनके इस रोड की बड़ी दीदीना मांग थी, और मैंने इस रोड को जो है CNT प्लान में रखा इनके लिए, और आज आप खुद देख रहे हैं इस रोड का मैग्नमाइजेशन का काम चल रहा है, और लोग बड़े खुश हैं, यहाँ की माएँ बहनें बड़ी खुश हैं, हम भी बड़े खुश हैं, क्योंकि लोगों के साथ हमने जो वादे किए थे, तो वो वादे इंशाल्लाह रहमान हम पूरे कर रहे हैं। उनके काम नहीं होते थे, क्योंकि ये तो लोगों के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता था उसका काम यही है कि वो लोगों के जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उन चीज़ों का फोकस करें। लेकिन मुझे लग रहा है अनफॉर्चुनेटली आज तक जो भी सियासत हुई है इन बेचारों को इग्नोर किया गया, लेकिन मेरी ये कोशिश रहती है मैं लोगों को जो बेसिक एमिनिटीज़ है वो लोगों तक पहुँचाऊँ, और जब तक एक रिप्रेजेंटेटिव कोशिश नहीं करेगा, लेकिन मैं आवाम के पास भी आता हूँ, कोशिश भी की, डिपार्टमेंट के पास भी जाता हूँ, और आई हैव लेफ्ट माई जॉब फॉर दीज पीपल, क्योंकि इन लोगों के लिए मैंने अपना जो जॉब है वो मैंने इनके लिए छोड़ा है, और मैं चाहता हूँ कि जो बेसिक एमिनिटीज इन तक मैं पहुँचाने की बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, और आप देख रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, परसों हमने इनके लिए मागमनार के लिए हमने एक स्टेशन रखा, 6 MV × 10 MV स्टेशन भी करवाया, क्योंकि इनको पावर की भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस रहती थी, उसमें करीबन 1 करोड़ रुपया उसमें भी रिलीज़ हुआ है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो खानपुरा बटपुरा रोड पिछले आप ही ने उसमें वो कवरेज भी की थी, उसको भी हमने मैग्नमाइज करवाया, और हमने नबार्ड में भी बहुत सारे इस मागमनार में प्रोजेक्ट्स रखे हैं। इंशाल्लाह तवक्कुल यही है कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह लोगों को एक विजिबल डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, और लोग इससे ज्यादा खुश होंगे इंशाल्लाह। हुजूर साहब की कियादत में हमें चलना बना यहाँ से, क्योंकि हम लोग बंडोगर के रहने वाले हैं, क्योंकि बंडोगर में हुजूर साहब ने तकरीबन 3 दौरे किए। हम जुम्मा पढ़ने के लिए आते थे लॉन्ग बूट लगा के, या दूसरी रोड उस साइड से इस्तेमाल करते थे। ये इलाका बिल्कुल नक्शे ही पर नहीं था, तो मागम का इलाका, हम इसके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये मागम का इलाका हो गया, इनकी क़यादत में ये रोड बन गई। चूँकि बड़े बड़े मतलब यहाँ मिनिस्टर भी आए, किसी की क़यादत में ये रोड ना बनी, और गुजार हैं जब मागम का इलाका हो गया, ये हमारा ब्लॉक है, तो हम उम्मीद रखते हैं हुजूर साहब से कि बंडोगर का इलाका भी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आइंदा हम चाहते हैं कि ये मंडेट जो NC की है हुजूर साहब को मिलनी चाहिए, क्योंकि हम NC के बड़ी रीडरों से गुजारिश, जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब है, उमर अब्दुल्ला साहब है, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि हुजूर साहब को वो ये मंडेट मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मतलब आपने प्रोग्राम में वहाँ एक बारामूला का NC का उठाया, वो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम जब कंडी में पहुंच नहीं सकते हैं तो हम बारामूला में कहाँ पहुंच सकेंगे। चूँकि इसकी पहली बार ये क़यादत में आए, जो 30 दिन से काम ना होना था वो काम होकर रहा।